काफी बारिश होगी, जन तबाही होगी, तो सरकार को चेतना चाहिए था, लेकिन सरकार नहीं चेती, जिसके चलते आज रिलीफ कैंप खाली आई बास है। तो ये रिलीफ कैंप में 10-20-50-100 आदमी को रख कर करके उनको ये बता रहे हैं कि हम रिलीफ बांटे हैं, रिलीफ बांटे हैं, वो रिलीफ कहीं नहीं बांट रहा है। लाखों आदमी इसके जद में आ गए हैं और जिसके चलते सब में तबाही, जानवर, आदमी, बच्चे, सबकी तबाही हो रही है। इसीलिए भी हम कहना चाहते हैं कि नीतीश कुमार इस माने में उनका जो मंत्रिमंडल है कंसिडरेबली फेल है, इसकी उत्तरदायित्व अपने ऊपर उनको लेना चाहिए। और आज कहते हैं वो, आज क्यों नींद आती है, खुलती है कि फरक्का बांध को खत्म करना चाहिए और नहीं तो अल्टरनेट व्यवस्था करनी चाहिए। ये जो आज दूसरा इशू लेकर के केंद्र से लड़ते हैं और कहते हैं, इस पर पहले क्यों नहीं इनका ध्यान गया था? ये सब दिन का यह है कि गंगा में सिल्ट है, सिल्ट भर गया है, सिल्ट उड़ाही करने का कार्रवाई चल रही है। हम कहना चाहते हैं कि सिल्ट उड़ाही के कार्रवाई करने से पैसा की बर्बादी होगी और कुछ नहीं होगा, उसमें अनियमितताएं होगी। एक और एक मांग बिहार का होना चाहिए कि फरक्का बांध को या तो तोड़ दिया जाए या नहीं तो कोई ऐसा रास्ता दे दिया जाए जिससे कि जो नदी की अविरल धारा है प्रवाहित होगी तो सिल्ट अपने आप समाप्त हो जाएगी।